ठाकरे आज क्या है, उनका क्या रुतबा है, ये सब जानते हैं। लेकिन राज ठाकरे आखिर बने कैसे, राज ठाकरे आखिर एमएनएस चीफ कैसे बने, ये आज हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का अपना अहम स्थान है। आज ठाकरे परिवार दो हिस्सों में बट चुका है, इसमें एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ राज ठाकरे। शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने भले ही अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी और पहचान बना ली हो, लेकिन कभी उन्हें बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे को शिवसेना से अलग होना पड़ा? आखिर क्यों उन्हें दूध में पड़ी हुई एक मक्खी की तरह निकाल कर किनारे कर दिया गया? सवाल ये भी है कि क्या बाला साहेब ठाकरे ने पुत्र मोह में फंस कर राज की जगह अपने बेटे उद्धव को पार्टी की कमान सौंप दी? जबकि बाला साहेब तो राज ठाकरे को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, जिन्होंने राज को राजनीति के सारे दाव पेच भी सिखाए थे। आज ऐसी ही कुछ वजहों को हम आज आपके सामने रखेंगे, जिनके चलते राज को शिवसेना से किनारा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे प्रदेश की राजनीति एक अलग स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी पहली पार्टी यानी शिवसेना के लिए भी बचपन से लेकर जवानी तक बहुत काम किया। हालांकि जब इस बात का इनाम मिलने का मौका आया तो उन्हें पार्टी में वो सम्मान और रसूख नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जिसकी चाहत भी राज ठाकरे के मन में बरसों से पल रही थी। राज ठाकरे हर लिहाज से चाचा बाल ठाकरे के प्रतिरूप माने जाते थे। चाल, ढाल, पहनावा, बातचीत, भाषण की शैली, इतना ही नहीं वो बाल ठाकरे की तरह ही बेहतरीन कार्टूनिस्ट भी है। शिवसेना में रहते हुए राज ठाकरे भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष भी बने थे। हालांकि अब भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष युवा सेना में विलय कर दिया गया है। राज ठाकरे ने शिवसेना क्यों छोड़ी, इसकी तमाम वजह है, जिनमें से कुछ हम आज आपको बताएंगे। उद्धव ठाकरे आज भले एक पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो राजनीति में कभी भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि बेटा तो बेटा ही होता है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे ये चाहती थी कि उनके परिवार का कम से कम एक बेटा तो राजनीति में आए। दरअसल उनके बड़े बेटे बिंदु माधव की सड़क दुर्घटना में तब मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरे बेटे जयदेव की अपने पिता बाल ठाकरे से ज्यादा बनती नहीं थी। वो अपने पिता से विद्रोह के बाद नाता भी तोड़ चुके थे। अब उनके परिवार की सारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ उद्धव थी। शर्मीले और संकोची स्वभाव के उद्धव ठाकरे अपनी माँ के आदेश को टाल नहीं सके और शिवसेना पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करने लगे। यह वो समय था जब राज ठाकरे की शिवसेना में तूती बोलती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के एक्टिव होने के बाद पिता बाल ठाकरे ने भी उन्हें राजनीतिक कार्यक्रम एवं नेताओं के पास भेजना शुरू किया। इसके पहले सभी कार्यक्रमों में ये लगता था कि राज ठाकरे ही भविष्य में उनके नेता बनेंगे। शिवसेना में राज ठाकरे का वजूद और साथ दोनों धीरे धीरे कम हो रही थी। उन्हें भी ये बात समझ में आ रहा था कि बाल ठाकरे का झुका धीरे धीरे बेटे उद्धव ठाकरे की तरफ ज्यादा हो रहा है। राज ये भी समझने लगे थे कि शिवसेना में ज्यादा दिन तक बने रहना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इस बीच साल 2023 के दौरान जब महाबलेश्वर में शिवसेना का अधिवेशन रखा गया, तब खुद राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे तुरंत सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। बाला साहेब ठाकरे राज ठाकरे को बिल्कुल अपने बेटी की तरह प्यार करते थे। हालांकि जब राज ठाकरे का नाम एक मर्डर केस में सामने आया, तब बाल ठाकरे काफी नाराज हुए थे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से राज ठाकरे की शिवसेना में उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। यहां से धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के सितारा राजनीति में चमकता गया और यही से शुरुआत हुई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जिसके बाद राज ठाकरे ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।